काकी, जया जी कहत रही कि विजय भैया के पता चल गई बा कि मेघा बाबूनी कहाँ बाड़ी। विजय भैया और बाबा लोग उनका के लावे खातिर यहाँ से निकल भी गए। मेघा के पता चल गई? हे ठाकुर जी, वो हमार सुन ले ली। अब बस इक्के गो प्रार्थना बा, लड़की के सही सलामत घर पहुंचा दी। मेघा का पता चल गया, इस बारे में किसी ने भी आपको और मुझे नहीं बताया। मुझे तो छोड़िए, लेकिन कम से कम ये बात आपको तो बतानी चाहिए थी माँ जी। हाँ जी, नहीं, ये बात तो ठीक कहता रू। देख रही है ना आप कि अब इस घर में क्या क्या होने लगा है। ये तो कायदे से जया इस घर की बहू भी बनकर नहीं आई है, अभी से इस घर पर अपना हक भी जमाने लग गई। विजय भैया को ये बात सबसे पहले आपको बतानी चाहिए थी माँ। हाँ काकी, भाभी जी एकदम ठीक कहता रही। ये जया मैडम इस घर में घुसल जात बाड़ी, इनकर लक्षण हमरो ठीक नहीं के लागत। मतलब तू कहे के का चाहता रू? अब हम का कहीं रहुआ से, रहुआ अपने से एगो रूम दे देले रहली नू। बाकी जानता नहीं, ऊ जान बूझ के विजय भैया के ही कमरा में रुकल बाड़ी। क्या वो विजय भैया के कमरे में रह रही है? हाँ भाभी, आज जब हम उनका के एह बात पर टोकनी तो वो कहली कि जब विजय भैया नहीं कन तो वो कमरा में रहे में हर्जे का बा, कायदे से तो उनका अपना कमरे में रुके के चाहत रहे। का भाभी, ठीक बात बा कि ना? हे भगवान, ये तो हद हो गई। अभी तक इसकी शादी नहीं हुई है और इस टीचर की ये हालत है। जिस दिन इस घर की बहू बनकर आ जाएगी तो हम सबको पढ़ाना शुरू कर देगी। माँ जी, देख रही आप उसका हिसाब किताब, आपको कुछ ना कुछ करना ही होगा। रउआ बड़ बुजुर्ग बानी, जब राउरे बात उन्हें मान ली तो बाकी लोग के साथ आगे का करिए, से तो भगवान है मालिक बाड़े। अब माँ जी, अब ये इस घर की संस्कार और सम्मान की बात है। बगैर शादी किए एक कुंवारी लड़की इस घर में रह रही है, अगर बाहर लोगों को इस बात का पता चला तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? लड़की इस घर की इज्जत पूरी मिट्टी में मिला देगी। बताई तो दुनिया अगर ये बात जान जाए तो आदमी केकर केकर मुंह पर अंगूरी धरत चली। माँ जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कब तक इस तरह इस घर में रहने वाली है। माँ जी, कुछ ना कुछ डिसीजन आपको लेना ही होगा। ठीक बा, हम काल भोरे जया से बारे में बात करें। अरे माँ जी, आप इतनी सुबह सुबह? नाना बैठल रहा। एगो बात करे के रहे तोरा से। हाँ कहिए, क्या बात है? देखा जया, तोरा से बात कहे में हमारा अच्छा तो नहीं खिला, बाकी का करे। अब लोग के मुंह तो नानू छेकल जा सकेला, जकरा जे बुझाला से बोलबे करेला। आप कहना क्या चाहते हैं माँ जी, क्या बात है? हम जाना तानी कि तू विजयकांत से कितना प्यार करेलो, यही से हम चाहत आनी कि तू दोनों के ब्याह जल्दी से जल्दी हो जाओ। लेकिन जब तक ब्याह नेखे होगत तब तक ता... मैं समझ गई माँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं। एगो जवान लड़की के एगो लड़का के कमरा में ऐसे ही रहना ठीक बात नहीं खे बेटी। अरे 10 तरह के लोग के 10 तरह के बात करे के मौका मिल जाना, यही सब सोच के तोरा हम यहाँ पे गोला कमरा दे ले रहे कि तू कमरा में रहू। लेकिन तू तो फिर यही कमरा में, वो विजय यहाँ पर नहीं थे तो मुझे लगा शायद यहाँ पर रहने में कोई हर्ज नहीं होगा। देखा जया, ये घर की अपन कुछ परंपरा और मान मर्यादा बा, हमरा ये ठीक नहीं खे लागत कि छोट छोट बात पे लोग उंगली उठावे। अरे तू तो इतना पढ़ल लिखल बाड़ू, लेकी सबके पढ़ावे लू, अब आगे हम तोरा का समझाए। इतना समझदारी तो तोरा खुदे होके के चाहिए। जी माँ जी, मैं आपकी बात समझ गई और अब शायद मेरा यहाँ पर रहना भी ठीक नहीं होगा, अब मुझे चलना चाहिए। अरे इतना जल्दी काबा? अब रात भर रुके गए लू तो तनी इत्मीनान से नहा धोला, अब फिर नाश्ता करके चल जाइया। नहीं नहीं माँ जी, नाश्ता फिर कभी कर लूंगी, और वैसे भी शादी के बाद तो मुझे यहीं आकर रहना है ना।
हाँ वो तो ठीक बा, लेकिन वैसे मेघा दीदी आप हैं बहुत सुंदर, बिल्कुल फिल्मी हीरोइन की तरह। मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ। नहीं नहीं आप बहुत सुंदर हैं। वैसे एक बात कहूँ? बोलो ना। आज जब मधु अंकल ने मुझसे कहा कि आपके मेहंदी लगानी है तो मैं नहीं आई, लेकिन जैसे ही आपका नाम सुना वैसे मैं दौड़ते हुए चली आई। दीदी मर जाओ, आपका चेहरा देखकर तो कोई भी फिसल जाएगा, और वैसे तो आज लग रहा है जैसे धरती पर चांद ही उतर आया है। कितना फिल्मी डायलॉग है, सबको ऐसे बोलती हो? क्या करे, बोलना पड़ेगा। आज तुम्हारा अंदाज बड़ा शायराना है। अभी तक किसी से याराना नहीं हुआ है ना? खानदान की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं की तुम? यही खातिर तुमको इतना ज्यादा दिया गया, पढ़ने के लिए विदेश भेजा गया ताकि तुम परिवार का नाम रोशन करो? यही नाम रोशन की हो तुम? कितना आसान इसमें गलत तो अभी हम समझाते हैं, अभी तो आपका खातिर करिए। सर भैया अभी दामाद जी का मैं बात कर रहा हूँ। दामाद जी पता ना, सुबह से ही हमारा दाहिना आंख फड़क रहा था कहीं कोनो अनहोनी ना हो जाए, और एक तो ये दुन्नू भाई के भी कोनो खबर नहीं है, खा खा के सांड जैसा हो गई, पर कोनो काम के नहीं खन दुनू जना। का हुआ, मुंह लटका के आ गई ला लो? उदय के पता ना चलल ना? दीदी का बताए, मतलब पूरा जमीन से लेके आसमान तक ले सब जगह ढूंढ लिए, कहीं वो दोनों के पते नहीं खेचल। अरे कहीं वो विजय कंदवा के हाथ ना लग गए हुए, सवेरे से हमारा दाहिना आंख फड़क रहा था, कोनो अपशकुन ना हो जाए। उदयवा को कुछ नहीं होगा, आई तो आंख फड़क रहा है वो ब्लड प्रेशर के कारण। अच्छा दीदी, यहाँ चिंता परेशानी में है, अब तुमको डॉक्टर ही सोच रहा है। मैट्रिक पास हुए नहीं, MBBS डॉक्टर हो गए हैं। तुम मैट्रिक फेल मैट्रिक फेल करेगा रे साला, अपने तो हाई स्कूल का मुंह नहीं देखा है। हमारा बेटा है उदय के जान खतरा में पड़ल बा, और यहाँ तू दोनों जना के स्कूल कॉलेज याद आ रहा बा? एकदम ठीक कहला है रजल लाल तू लोग के बारे में, न काम के न काज के दुश्मन अनाज के। एक बात ध्यान से सुन ला, अगर हमारा बेटा उदय के कुछ हो गए ना तो भुला जाए यहाँ कि हम तो हर बहन है। अब जाओ यहाँ से, जाओ। पता ना कहे सवेरे से ही हमारा दाहिना आग फड़क रहा बा।
बड़ा ठीक कहता है सर, सोम का धन शैतान खाता है। इतना दिन से छुपा के रखे थे और रचनवा उड़ा ले गया सब हमारे मेहनत का कमाई। साला एक सोना का नेकलेस उड़ा के रखे थे, सोचे थे कि हमको भी मिलेगी हमारे दिल की रानी, तो उसको उपहार देंगे, अब घंटा उपहार देंगे। और हंसी के जो देखा तू एक बेरिया, हम मरी मरी गई पहाड़ की। अरे साला बदरिया, एक कपार पर हाथ रख के किसका माता मना रहा है रे, है कौन मर गया? भैया जी परेशान मत करिए, जय अपना काम कीजिए, जला पे नमक मत छिड़किए। जला पर नमक? अरे कहाँ जल गया, कहाँ नमक डाल दिया, कुछ बताएगा भी? क्या बताए, सब जल के खाक हो। सोने का नेकलेस, दरवाजा मत कर, इधर इधर। अब बोल का बात है, सोना का नेकलेस चुरा के छुपा के रखे थे, वो आपसे देखा नहीं, उठा के लेकर चले गए। साला उसके लिए इतना परेशान हो रहा है? अरे लेके नहीं जाते तो क्या करते, यहाँ पड़ा था तो उसका कोनो वैल्यू था है? कोनो वैल्यू नहीं था। उसका वैल्यू तो तब बढ़ गया है जब वो हमारी जान सीमा रानी के गला में पहुंच गया है। तुम्हारी कसम खाए कहते, अरे एकदम रानी लग रही थी रानी, और उसके गले में हार, नौलखा हार लग रहा था। पर तू काहे को टेंशन ले रहा है, है? तू जिसके लिए भी वो हार रखा था, अरे पहले उसको आने तो दे, हम बनवा के देंगे तुमको उससे बढ़िया, उससे अच्छा डिजाइन का आभारी हार। कहाँ से बनवा के देंगे नया डिजाइन का हार, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा कि जा बदल गया चोरी का? अरे पागल है तुम, काहे तुमसे चोरी करवाएंगे? अरे साले राजपाट कोने दिन काम आएगा रे, रखिए रखिए इसको, ये राजपाट कोने दिन काम नहीं आएगा जब तक कि ये दोनों राहु केतु यहाँ रहेगा। अरे तू उनका टेंशन मत ले, उनका इंतजाम हम कर चुके हैं। सबसे पहले केतु को अस्त करेंगे, बाद में राहु को सलटाएंगे। कुछ नहीं सलटा पाएंगे यार, कुछ नहीं कर पाएंगे यार, पुतनवा का मारने का प्लान ना आपका फेल हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। सारे बहुत कुछ कर लेंगे, इस बार इतना सॉलिड प्लानिंग लेके आए हैं ना, विदाउट फेल। क्या प्लान है? प्लान ये है कि पुतनवा जहाँ कहीं भी बैठा होगा तुम्हारे सीधे में एकदम सामने, उसके सामने बैठ के तुम हमारा पिस्तौल साफ करेगा। पिस्तौल साफ करेगा? उसे क्या होगा? अरे उसी से तो सब कुछ होगा। पिस्तौल साफ करते करते गलती से उसी पिस्तौल से एक ठो गोली चलेगा, गोली चलेगा चट से, और उधर पुतनवा घुलटेगा फट से, खेल खत्म। हाँ, फट से पुतनवा उधर उलट जाएगा और दुलारी देवी हमको सीधे शमशान घाट भेज देंगे। ऐसे कैसे भेज देंगे, हम रहेंगे नहीं कहा वहाँ? पूरा घटना को हम एक ऐसा रूप देंगे, ऐसा रूप देंगे कि जैसे वो कोनो एक ठो एक्सीडेंट हो, साला सीबीआई भी चक्कर में पड़ जाएगा। ये चक्कर में हम कहीं खन चक्कर में न पड़ जाए, रचनवा तो मरवा के छोड़ेगा हमको। अरे क्या सोच रहा है तू मरने के बारे में? क्या बोला? पुतनवा के मरने के बारे में। ऐसा बोलो, साला फालतू का टेंशन खुद भी करता है, हमको भी देता है गधा कहीं का। मां जी आप ज्यादा मत सोचिए, वरना आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। लीजिए दवाई लीजिए, और क्या हो सकेगा? कुल खानदान के तो नाम दुबई दे रखे, मेघा बाबू ने भी उनके संगे बाड़ी। क्या चल तो जनता पूजे इन कर ही कानून चले, जात धर्म ना इनके।
कर नित नया चाल चले बोली की ये। आगे क्या सोचो? सोचना का है, जितना जल्दी खेला खत्म होगा उतना ही जल्दी मैदान साफ होगा। और ये खेला की पहली कड़ी है संपादक दिनकर, आखिरी कड़ी है उदय। काका हम आज इस कहानी को इतिहास में दफना देना चाहते हैं, आज ही करना का चाहते बता। करना का है, दोनों को खत्म कर देते हैं, बस खत्म कहानी। नहीं बचे संपादक दिनकर तो ठीक है, बाकी उदय का कहानी हम इतना जल्दी खत्म नहीं करना चाहते। काहे? काहे कि दुनिया में कोई कितना भी अपना क्यों ना, उसके मरने के बाद कोई उसकी याद में जिंदगी भर आंसू नहीं बहाता है। अगर उदय को सीधे खत्म कर दिए तो क्या होगा? क्या होगा? हफ्ता 10 दिन तक दुलारी छाती पीट पीट कर रोएगी बस। उसके बाद हम इतना जल्दी सब कुछ नहीं करना चाहते। आप क्या चाहते हैं काका? चाहते हैं कि दुलारी की पूरी जिंदगी ही उसके लिए मातम बन जाए। क्या मतलब? हम उस घमंडी औरत को ये बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम उससे कितने ज्यादा शक्तिशाली या ताकतवर हैं। यही बात पूरा महाराजगंज भी जान जाए, इसके लिए हमारे दिमाग में एक प्लान है। काका हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप हमको खुलकर बताइए। हम अपना आदमी दुलारी देव के पास भेजेंगे, आप उसको कहेंगे कि उसका बच्चा हमारे कब्जे में है। अब अगर वो अपने बच्चे का सलामती चाहती है तो उसको यहाँ आकर रोना गिड़गड़ाना पड़ेगा, अपना माथा रगड़ना पड़ेगा ये चौखट पर। जितना रोएगी कल्पेगी उतना हमारी आत्मा को चैन और शांति मिलेगा, फिर वो जिंदगी भर हमसे आंख मिलाकर बात नहीं कर पाएगी। काका लेकिन आपको लगता है कि दुलारी देवी जैसी जिद्दू आकड़ू औरत ऐसा करेगी? करेगी, काहे नहीं करेगी। वो का उसकी जगह कोई शेरनी होगी तो भी करेगी। विजय दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं है जो अपना बच्चा को जान से मरते हुए देख सके। औरत अपना बच्चा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है विजय, कुछ भी कर सकती है। लड़ाई भी करेंगे। काका आपका बात में दम है। अगर दुलारी देवी यहां आए और उनका जान बचाने वास्ते हम लोग के सामने रोए गिड़गिड़ाए तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा जीत होगा। हाँ वो जीत से ये पूरा महाराजगंज जान जाएगा कि यहाँ के राजा बस हम हैं, हर कोई नहीं। आपका प्लान बहुत दमदार है काका, बस इस पर अमल करने का देर है। हम इस पर अमल करेंगे। अरे भाई क्या बात है, दिनकर जी का आज भी कुछ अता पता नहीं है, आखिर वो गए कहाँ? भगवान जाने कहाँ चले गए, पिछले 3 दिन से लापता है। जाते वक्त कुछ बताकर भी नहीं गए कि कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों गए कहाँ? अरे कुछ अता पता लगवाए हो उनका? दिनकर जी जहाँ जहाँ जाते रहते हैं वो सब जगह पता कराया, कहीं से कोई खबर नहीं मिली। एक बात हमको समझ में नहीं आ रही है कि दिनकर जी जैसा समझदार आदमी 3 दिन तक ऐसे लापता कैसे रह सकते हैं। अब वो बहुत सोच विचार वाला आदमी है भाई, अब तो कोई जवान लड़का फैका तो है नहीं कि इन्ने साए उन्ने चल दिए। आज तक तो हमारे याद में ऐसा गलती वो कभी नहीं किए थे। हमको तो लगता है जरूर कुछ ना कुछ बात हो गया है। तुम कहना क्या चाहते हो?
संपादक जी के साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया का। अब भगवान न करे, लेकिन मोती भाई हमको भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब मेरे विचार से तो अब हम लोग को पुलिस में खबर कर देना चाहिए। अगर कुछ हुआ भी होगा तो पुलिस अपने ढंग से खोजने की कोशिश करेगी। हाँ, ये बात तुम ठीक कह रहे हो। तो ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग एक साथ मिलकर थाना चलते हैं और दिनकर जी के लापता होने का रिपोर्ट लिखवाते हैं। काहे कि पुलिस में खबर करवाना बहुत जरूरी है। हाँ, अब देर करने का जरूरत नहीं है। संपादक जी का कुछ तो अता पता चलना चाहिए। ये लोग ठीक कह रहे हैं गणेश, जब तीन दिन से दिनकर सर ऑफिस नहीं आए हैं, कुछ ना कुछ बात जरूर है। हमको भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, तो एक काम करते हैं, कुछ पत्रकार लोगों को साथ ले लेते हैं। कम से कम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने के लिए कुछ तो अपने साथ होना चाहिए। इतनी कोशिश तो हम कर ही सकते हैं ना। चलो जाता है आपको पुलिस स्टेशन में। हाँ हाँ बोलो, क्या कर रही हो? हाथ उठे लेते। अच्छा अच्छा, हाँ उनका ठीक से ख्याल रखना और हमको खबर करती रहना। अच्छा कहा दीदी, किकर फोन है? अरे अस्पताल से फोन रहे, नर्स वा कहले सिया कि केडी बाबू के हाथ उठे लेता, देह में सुबुगाट हो रहा बा। बड़ा बढ़िया न्यूज है, लगता कि अब दामाद बाबू के होश आ जाए। हाँ होश आ जाए तब तो क्लियर हो जाये कि कांड के कहले बा और के चाहता है अपना केडी बाबू के मारे के। हाँ हाँ बिल्कुल पुतन ठीक कर बा, हमने के तुरंत अस्पताल चले के चाहिए। हाँ चले के चाहिए। चल 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 भाई, बोल जल्दी गाड़ी निकाल। जयराम तुम वहाँ गए थे जांच पड़ताल करने, का खबर लाए हो? हुजूर उस पॉकेट मार को जब मोटा रकम हाथ लग गया तो कहाँ रुकने वाला था ससुरा, भाग गया मुंबई। भाग गया कि भगा दिए? ये हल्ला कैसा हो रहा है, तुम जाके देखो। चले जाने दीजिएगा। अरे अरे हम क्यों कर, अरे चले चले अंदर। अरे पता नहीं क्या बात है, भीड़ इकट्ठा हुआ है थाने के बाहर। अच्छा चलिए चलो रिपोर्ट लिखवा देते हैं साहब का। चले चले कहाँ है सर? हम लोग गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाने आए हैं। अरे कौन गायब हो गया है जो इतना सारा लोग रिपोर्ट लिखवाने आ गया? कौन का मेहरारू चला गया कि कौन बेटी गायब हो गया? किसी का मेहरारू या बेटी गायब नहीं हुआ इंस्पेक्टर साहब, एक आदमी पिछले तीन दिनों से लापता है। पत्रकार जी आइए बैठिए बैठिए। अरे बैठिए बैठिए, बताइए ना चौधरी साहब को क्या क्या बात है। सर बात यह है कि हमारे संपादक जी को। सर मैं दिनकर जी का नया असिस्टेंट हूँ, उनको तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ना? हाँ जानता हूँ। अरे दिनकर जी को भला इस इलाके में कौन नहीं जानता, उनके जैसा ईमानदार और बेबाक पत्रकार मिलना बहुत मुश्किल है जमाने में। पर क्या हुआ हमारे संपादक जी को? दिनकर जी पिछले तीन दिन से लापता है, सब जगह ढूंढ लिए कहीं पता नहीं चला। अरे तो इसमें घबराने का कौन सा बात है, पत्रकार है, कोई बड़ी खबर मिल गई होगी, उसको सूंघते सूंघते चले गए होंगे कवरेज स्टोरी बनाने के लिए, और क्या। नहीं नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो हम सबको बता कर जाते। साहब दिनकर जी को आप अच्छी तरह जानते हैं, वो कितने ईमानदार इंसान है, वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहा है इंस्पेक्टर साहब, दिनकर जी ऐसे बेवजह लापता होने वाला इंसान नहीं है, उनके साथ जरूर कुछ ना कुछ दुर्घटना हुई है, नहीं तो अपने ऑफिस के लोगों को कुछ ना कुछ बता के जाते हैं वो। ठीक है हम आपका बात पूरा समझ गए, हम आज ही से उनको खोजना शुरू कर देते हैं, अब आप लोग जाएं। सर पहले आप संपादक जी के गायब होने का रिपोर्ट तो लिख लीजिए, रिपोर्ट लिखिएगा तभी तो आप उनकी जांच पड़ताल कीजिएगा ना। अरे वो भी लिख लेंगे, लेकिन यहाँ बैठ कर कस करने का आपको कौनो जरूरत नहीं है, हम तफ्तीश अभी से शुरू कर देते, अभी आप जाइए। सर दिनकर जी कब तक मिल जाएंगे? दिनकर जी कब तक मिल जाएंगे? कोशिश तो हम अभी से ही कर देंगे, जब तक मिल जाएंगे तो ढूंढ के दे देंगे। अरे जरा भाई रिपोर्ट लिखिए, रिपोर्ट लिखिए। चलिए 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 मिला तो। नमस्ते दुलारी जी, आज हमें आपको फोन करके इसलिए बुलवाना पड़ा कि आज केडी बाबू के बदन में कुछ पहली बार हरकतें देखने को मिली। ये बात मुझे नर्स ने बताया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आप लोगों को देख के वो वापस होश में आ जाए, इसलिए आपको फोन करके यहाँ पे बुलाया गया। बहुत अच्छा किया डॉक्टर साहब, और हमको खुशी है कि आप हमारे दामाद साहब का इतना ख्याल रख रहे हैं।
हम भी आपका ख्याल रखेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारा फर्ज है। एक्सक्यूज मी, मुझे और जगह टाउन पे जाना है। नमस्ते जी। पुतन, वो सारा मेहमान बाबू, बताइए ना कौन गोली चलाया आप पे? बताइए ना मेहमान बाबू, ये हालत में कौन पहुंचा है आपको? मेहमान बाबू, इस खेल के पीछे कौन था हमको बताइए। मेहमान बाबू, हम उसकी जान ले लेंगे। अरे अरे, हम समझ गए, हम समझ गए मेहमान बाबू, आपका इशारा हम समझ गए। हमको जिंदा देख के आपको खुशी हो रहा है ना? अरे तो हनुमान जी का कृपा थी, हम बच गए, नहीं तो बचते नहीं मेहमान बाबू। आप बदरिया से पूछिए, आपकी चिंता में हम रोज मंदिर जाके आपके सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से, और भगवान ने चाहा तो आप भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। टेंशन मत लीजिए, ठीक हो जाएंगे आप। अरे अरे, डॉक्टर को बुलाओ ना, बुलाओ जल्दी, जाओ जाओ डॉक्टर को बुलाओ। पुतन, बुलाओ डॉक्टर को, बुलाओ, जाओ जल्दी जाओ। डॉक्टर साहब, अरे बहुत छटपटा रहे हैं, हटिए, सुई दीजिए ना, हटिए, हाँ, हटिए, सुई लगा दीजिए कि आराम मिल जाए। नर्स, इंजेक्शन ले आइए। लगाइए लगाइए, देखिए डॉक्टर साहब, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। लाख लाख शुक्र है कि आराम मिला इनको। भैया जी, जब अस्पताल में किडिया एक मिनट के लिए हम लोग तरफ इशारा किया ना, हम तो सोचे गए काम से। कब से तुमसे कह रहे हैं किडिया को खत्म कर दे, खत्म कर दे, खत्म कर दे, लेकिन नहीं, वो साला फालतू का काम से फुर्सत मिलेगा तब ना करो कायदे का ढंग का काम करेगा। तुम अपना फंसने का नौबत सब तुम्हारे वजह से हो रहा है, तुम्हारे वजह से। साला एकदम एकदम बेकार है आदमी, कौनो काम का आदमी नहीं तुम। जब देखो तब बेकार आदमी, बेकार बेकार है आदमी, हमेशा हमको दोष देते हैं। यह तो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा साला, हमारा प्रॉब्लम तो गिनवा रहा है तुम, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है रे? आज तक केडिया को अस्पताल में क्या नहीं खत्म कर पाए तुम? अस्पताल में जाके गड़िया को खत्म करने का मतलब क्या? जैसे घर बैठे मक्खी और मच्छर मारने जैसा है का? चार चार बार गए थे अस्पताल उसको मारने। दुलारी भौजी वहां पैसा पहरा लगा के रखी है ना, कि आदमी का सारा चूंटा तक अंदर नहीं जा सकता, हम क्या करें? कुछ ना कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा बदरिया। बुझ ले बदरिया, अगर साला केडिया बिस्तर से जाग के उठ गया ना, तो हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए सो जाएंगे। हाँ भैया जी, ये बात तो है। वहाँ दुलारी भौजी के बिना परमिशन के कोनो अंदर नहीं जा सकता, और यहाँ साला केडिया अब सुख बुक करने लगा है। साला विज्ञान का है, इतना तरक्की कर गया भैया, हमको समझ नहीं आता, इस साला मुर्दा में भी जान आ गया। साला फिर लगा तुम अपना बकवास करने। अरे सोचना ही है तो कोनो ढंग का उपाय सोच। कौन नर्स को पटाओ, वार्ड बॉय को पटाओ, कंपाउंडर को पटाओ, सारा किसी को पटाओ, लेकिन ये केडिया को इस दुनिया से हटाओ। भैया जी, ये उम्र में हमसे